देखने में आया कि ज्यादातर लोग कानून की कम जानकारी की वजह से स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपना व्हीकल सेल कर देते हैं। क्या ये सही है और इस पर हमारा कानून क्या कहता है? तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को इस लीगल अवेयरनेस वीडियो के थ्रू। मैं हूँ एडवोकेट रिजवान फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। मैं आज आपको इसके पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ। तो चलिए समझते हैं ट्रांसफर ऑफ व्हीकल के लॉ को। इसके लॉ को समझने के लिए आपको लॉ को याद रखना पड़ेगा, LAW, जो बना है तीन अल्फाबेट से, जिसमें पहला अल्फाबेट L लीगल वैल्यू को रेफर करेगा, दूसरा अल्फाबेट A यानी के एक्शन को रेफर करेगा, और तीसरा वर्ड what माने क्या को रेफर करेगा। तो पहला अल्फाबेट जो है इसमें L लीगल वैल्यू, स्टाम्प पेपर पर किया गया कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप अपना वाहन बेचते हैं उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है, ना ही पुलिस के सामने और ना ही कोर्ट में। दूसरा अल्फाबेट ए यानी के एक्शन, आपने एग्रीमेंट के थ्रू व्हीकल सेल कर दिया है और उससे अब कोई भी एक्सीडेंट या इलीगल एक्टिविटीज होती है तो ऐसे आपको ओनर मानते हुए आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक RTO के रिकॉर्ड में RC के ऊपर आप ही ओनर हैं, उसमें जब तक परचेजर का नाम नहीं आ जाता आप ही ओनर रहेंगे। और लास्ट वर्ड लास्ट अल्फाबेट जो है हमारा वॉट, क्या करें, क्या किया जा सकता है। लीगली अपने व्हीकल को सेल करने के लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट के फॉर्म नंबर 29 और 30 को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ फिल कर विद इन स्टेट 14 डेज के अंदर कंसर्न RTO के सामने अप्लाई करना होगा। याद रखें, जब तक कि RC परचेजर के नाम नहीं हो जाती तब तक RTO के रिकॉर्ड में आप ही ऑनर रहेंगे। और लास्ट में मेरा सजेशन आपको एक रहेगा एज एन एडवोकेट कि जब तक RC ट्रांसफर ना हो जाए परचेजर को तब तक उसे व्हीकल का पोजीशन ना दें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी ऐसी लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।